Intraday trading tips for 12th December 2019. Best trading stocks for Thursday. Intraday stocks for tomorrow. नमस्कार दोस्तों, बीट द ट्रेड की इस वीडियो में मैं रोहित आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए एक दिन पहले कि कल आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, कौन से लेवल्स क्रूशल है, वो लेवल्स के ऊपर में जब वो स्टॉक रिएक्ट करेगा तो किस तरीके की मूवमेंट दे सकता है, ये सारी की सारी बातें हम लोग आपको ये वाली वीडियो सीरीज में लेकर के आते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी वीडियोज है यहाँ पर मैं जो भी आपको स्टॉक्स दिए जाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और अगर आप लोगों के पास में वॉचलिस्ट नहीं है तो मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है दोस्तों। उसके पीछे का कारण ऐसा है दोस्तों कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और अगर आपके पास में वॉचलिस्ट नहीं है तो आप फोकस नहीं रहते हो एक्टिव मार्केट में, आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, राइट। आपके डिसीजन गलत होते हैं क्योंकि आपके पास में वॉचलिस्ट नहीं है, आपके पास में कोई प्लान नहीं होता है और आप मार्केट को रिएक्ट करने के बजाय मार्केट को रिस्पॉन्स आप करते रहते हो दोस्तों। मार्केट में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे वाली मूवमेंट हुई आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं क्योंकि आप रैंडमली ट्रेड्स ले रहे हो, आपका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ट्रेडर विदाउट ट्रेडिंग प्लान इज इक्वल्स टू लॉस मेकिंग ट्रेडर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आज आपको दिखाता हूँ कि हमारा पहला स्टॉक कौन सा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले स्टॉक से। हमारा पहला स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो और अगर आप एशियन पेंट के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर में एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल यहाँ पर में बनते हुए एशियन पेंट ने लगभग यहाँ पर में एक बार रेजिस्टेंस लिया है, इधर में एक बार रेजिस्टेंस लिया है और एशियन पेंट की रेंज अभी कंसोलिडेट होते होते एक बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज के बाद में आज ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। एशियन पेंट ने पहले यहाँ पर में सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पर में सपोर्ट लिया था, अब ये ऊपर में ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी एशियन पेंट दिखा रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आज से जो नए लेवल्स आप लोगों के सामने आएंगे आप लोगों को बताया जाएगा एशियन पेंट बाय के लिए कौन से लेवल के ऊपर में अच्छा है और सेल के लिए कौन से लेवल के नीचे में अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी बाय का ट्रेड लगा रहे हो तो जो सेल की लेवल है उसको स्टॉप लॉस लगाइए, सेल का ट्रेड ले रहे हो तो जो बाय का लेवल है उसको आप अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। सो एशियन पेंट बहुत ही अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है, 1742 को अगर नीचे से ऊपर में क्रॉस करता है तब ऊपर में एक अच्छी खासी मूवमेंट निकाल सकता है। आपको टारगेट क्या लेना है, आप टारगेट अपने हिसाब से ले लीजिएगा। प्रॉफिट में आने के बाद में जब भी आप ये 1742 के ऊपर में एशियन पेंट जाने लगे, प्रॉफिट आपको दिखाने लगे, उसके बाद में अगर आपका प्रॉफिट कम होने लगे तो आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाइएगा। और अगर मान के चले बिना प्रॉफिट दिखाए अगर कभी नीचे आ जाता है तो 1736.50 का आप स्टॉप लॉस उसमें रख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये एशियन पेंट ऊपर में कितना भी प्रॉफिट दे सकता है, 5000 रुपये, 2000 रुपये, कितना भी अगर ये प्रॉफिट दे रहा है उतना प्रॉफिट ले लीजिएगा और उस पर्टिकुलर स्टॉक से आप एग्जिट कर जाइएगा। सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर में भी करना है। अगर मान के चलिए आप एशियन पेंट पहले अगर कभी उसका सेलिंग का ट्रेड अगर कभी एक्टिवेट करता है तो सेलिंग का ट्रेड एक्टिवेट करने के बाद में आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 1742 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। डाउनसाइड की मूवमेंट अगर आप यहाँ पर में नीचे में शुरू हुई, राइट, डाउनसाइड की मूवमेंट अगर कभी यहाँ पर में शुरू हुई तो आप जितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है उतना प्रॉफिट लेकर के आप एशियन पेंट से बाहर हो सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये बाइंग और सेलिंग लेवल काफी क्रूशियल लेवल है। हम लोग और लोगों की तरह आप लोगों को कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बताया जा रहा है। ये जो दो लेवल है ये दो लेवल से मार्केट शूट होता है। हमारा पहले का रिकॉर्ड उठा करके चेक कर लीजिएगा दोस्तों, हम लोगों ने जब जब आपको लेवल दिए हैं वो लेवल्स के आगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है पिछला कोई भी वीडियो उठा करके आप देख सकते हो। सो आज से हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट को शुरू किया है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आपको बाइंग प्लस सेलिंग लेवल दोनों के दोनों लेवल आपको बताते हैं। हमारे साथ में अभी तक क्या क्या होता था, हम लोग एक दिन पहले जो सिर्फ वन यूनिडायरेक्शनल जो ट्रेड्स हम लोग आप लोगों को देते थे कि आज ये इस ट्रेड में केवल मात्र बाय ही करना है, आज इस ट्रेड में केवल मात्र सेल ही करना है, पांच ट्रेड में से मान के चलिए चार ट्रेड अगर कभी एक्टिवेट हुए तो वो आपको ऊपर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दिखाते ही है। दो जो ट्रेड हम लोगों ने जो सेल में दिए हैं वो ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होते थे। अब तक हम लोगों ने एक दिन पहले हम लोगों ने जितने बार भी जो भी व्यू बनाया है, हमने व्यू बनाया इसका मतलब क्या है, हमने कल अगर पांच में से चार कॉल बाइंग के दिए है तो दूसरे दिन मार्केट ऊपर ही गया है दोस्तों।
हमने अगर पांच में से चार कॉल सेलिंग के दिए हैं तो दूसरे दिन मार्केट सेलिंग में ही आया है दोस्तों। और जब जब मार्केट सेलिंग में आया, हमारा बाय के ट्रेड मैक्सिमम लेवल पर ट्रिगर ही नहीं हुए। अगर कभी ट्रिगर अगर हो जाते हैं तो वो आपको टारगेट देख करके ही बाहर निकले, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देख करके ही बाहर निकले। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स में कल से आप लोगों को भी मेहनत करनी है दोस्तों, क्योंकि टारगेट आप लोगों के ऊपर में है, राइट, प्रॉफिट आप लोगों को लेना है। हमारा जो दूसरा स्टॉक है दोस्तों वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो देखिए, ये एक जो क्रूशल जो रेजिस्टेंस जोन था ना दोस्तों, इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास में बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मैं नीचे में ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट बजाज ऑटो को मिल रहा है, और जैसे कि मैंने बताया कि रेंज भी एक कंसोलिडेशन वाली रेंज में बजाज ऑटो आ चुका है। अब बजाज ऑटो तैयार है या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि इतने दिनों का कंसोलिडेशन आ चुका है। अगर बजाज ऑटो कल को 3275 के ऊपर में कभी निकलता है तो एक ऊपर में काफी तगड़ी, काफी जबरदस्त तेजी दिखा सकता है। अगर मान के चलिए बजाज ऑटो कभी 3265 को नीचे में पहले क्रॉस करता है तो डाउन साइड में एक अच्छी मूवमेंट बजाज ऑटो कल, आपको बजाज ऑटो के स्टॉक्स में कल देखने को मिल सकती है। अगर आप कभी बजाज ऑटो का पहले बाइंग का लेवल अगर कभी एक्टिवेट होता है तो स्टॉप लॉस आप लोग रखेंगे 3265 का। अगर आप कभी मान के चलिए बजाज ऑटो में कल को सेलिंग का लेवल पहले अगर एक्टिवेट होता है तो स्टॉप लॉस आप लोग रखेंगे 3275 का। ये 10 रुपये की जो रेंज है काफी तगड़ी रेंज है दोस्तों। ये 10 रुपये के ऊपर में जो भी किसी भी साइड में ब्रेकआउट मिलेगा, बजाज ऑटो कल आपको वो साइड में झुकता हुआ दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, टारगेट आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा, जैसा जैसा आपको प्रॉफिट मिल रहा है वैसा वैसा प्रॉफिट आप लेकर के बाहर हो जाइए। ध्यान दीजिएगा और एक बार, ये सारे के सारे लेवल कैश के हैं। ये कैश के लेवल ट्रिगर होने के बाद में आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का कल का रिजल्ट क्या था? हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप था दोस्तों, वहां पर मैं कल का रिजल्ट, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप यानी कि क्या, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों। हमारे दो टेलीग्राम के ग्रुप है, टोटली फ्री, और दूसरा है प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग आपको कुछ स्टॉक्स देते हैं, वहां पर मैं बाइंग या सेलिंग लेवल कुछ नहीं दी जाती, वहां पर मैं ऑलरेडी आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई हुई है, राइट, वही स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये स्टॉक्स में वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होती है और उसका रिजल्ट हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने अपडेट करते हैं। तो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में हमारा कल का जो रिजल्ट था दोस्तों, 10 दिसंबर 11 दिसंबर का आज का रिजल्ट आपको कल देखने को मिलेगा। 10 दिसंबर का रिजल्ट कुछ ऐसा था, बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड लॉस था 800 रुपये, दूसरा ट्रेड भी लॉस था 1920 रुपये, ओवरऑल लॉस हम लोगों को बैंक निफ्टी में वो 2720 रुपये। वहां पर उसके बाद में जा करके बजाज ऑटो में कल प्रॉफिट हुआ 2150 रुपये, बजाज ऑटो जो हम लोगों ने ऑलरेडी में दे करके रखा हुआ था। ग्रासिम में हमारा प्रॉफिट हुआ 4875 रुपीज। इंडसइंड बैंक LTMNM में कोई ट्रेड नहीं बना। सो ओवरऑल प्रॉफिट जो कल के दिन का बना दोस्तों वो था 4305 रुपये। ये हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का रिजल्ट है कल का। ये मैंने एक वीडियो भी वहां पर बना करके डाला है। ये ऐसे वीडियोस रेगुलरली वहां पर मैं आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो में मैं क्या करता हूँ, वहां पर मैं साइकोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज, इस वीडियो में माइंडसेट किस तरीके का रखना है, मैं वो सारी चीजें बताता हूँ वहां पर मैं। अब हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का अगर आप लोग, आपको अगर हिस्सा बनना है तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप टोटली फ्री है। अगर आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा अगर बनना है तो दोस्तों आपको हमारे जरिए नीचे अलाई ब्लू में अकाउंट ओपन करना होगा। अलाई ब्लू में अकाउंट ओपन करने के लिए आप ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर में क्लिक कर अलाई ब्लू अकाउंट ओपनिंग बाय क्लिकिंग बिलो लिंक, इस लिंक के ऊपर में क्लिक कर सकते हो। उस लिंक के ऊपर में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। इधर में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट सेलेक्ट करके ओपन एंड अकाउंट के ऊपर में क्लिक कर सकते हैं। ओपन एंड अकाउंट के ऊपर में क्लिक करने के बाद में आपको डिजी लिंक से एक मेल आएगा। उस मेल में लिखा हुआ रहेगा योर फ्रेंड बीट द ट्रेड हैज इनवाइटेड यू टू ओपन अकाउंट विद अस। आप वहां से अपना अकाउंट प्रोसेसिंग के लिए लगा सकते हो, राइट। और अगर मान के चलिए अकाउंट ओपन करते समय अगर आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत आता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर है 8080974067। आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, आपने उसमें फंड्स भी ऐड कर लिया, फंड्स ऐड करने के बाद में भी आप सेम नंबर के ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो ताकि वो आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करवा सके। हमारा जो तीसरा स्टॉक है दोस्तों वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स अगर आप देखोगे तो एस्कॉर्ट्स एक रेंज में चल रहा है, राइट, एक रेंज के अंदर में चल रहा है। इस रेंज से बाहर अगर कभी एस्कॉर्ट्स निकलेगा, राइट, 598 ऊपर की ओर, एस्कॉर्ट्स में काफी तेजी आने की संभावना है। जिस तरीके का डेटा एस्कॉर्ट्स आज दिखा रहा था, जिस तरीके का प्रेशर आज एस्कॉर्ट्स दिखा रहा था, अगर कभी मान के चलिए एस्कॉर्ट्स नीचे में आता है, इस लेवल को तोड़ने में कामयाब नहीं होता है, राइट, और नीचे में अगर कभी आता है 595 का,
तो इस लेवल से फिर बाद में एस्कॉर्ट्स नीचे भी आ सकता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी एस्कॉर्ट्स कल बाइंग के लिए देख रहे हो 598 के ऊपर में, जिसका स्टॉप लॉस आप लोग रखेंगे 595 का, और अगर कभी नीचे में एस्कॉर्ट्स 595 आ जाता है और ऊपर में आप स्टॉप लॉस रखेंगे 598 का, और आप सेलिंग ट्रेड ले लेंगे 595 के आसपास में। अगर कभी मान के चलिए एस्कॉर्ट्स या पहले के कोई भी स्टॉक बाइंग लेवल एक्टिवेट करके कभी सेलिंग लेवल के आसपास में आते, हमारा स्टॉप लॉस ले लेते, तो यहाँ पर मैं आप लोग डबल लॉट्स को सेल करोगे और नीचे की साइड के लिए आप इंतजार करोगे। ध्यान दीजिएगा, बाइंग लेवल अगर कभी पहले एक्टिवेट हुई तो आप डबल लॉट्स में सेलिंग लेवल के ऊपर में ट्रेड करोगे दो लॉट से, और नीचे में आप प्रॉफिट ले लोगे। अगर कभी मान के चलिए सेलिंग लेवल पहले एक्टिवेट हुई, बाद में अगर कभी सेलिंग लेवल का स्टॉप लॉस लेता है, वहां पर में आप डबल लॉट से बाइंग का ट्रेड लोगे, ऊपर में आप उसका प्रॉफिट ले लोगे, ताकि एक लॉट पहले का निकल जाए और फ्रेश ट्रेड आपका एक्टिवेट हो जाए। एस्कॉर्ट्स बाइंग के लिए काफी अच्छा है, 598 के ऊपर में स्टॉप लॉस आप लोग रख सकते हो 595 का, और एस्कॉर्ट्स 595 के नीचे में सेलिंग के लिए काफी अच्छा है, स्टॉप लॉस आप लोग रख सकते हो 598 का। हमारा जो चौथा स्टॉक है दोस्तों वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखोगे इस रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद में अब एक बड़ी मूवमेंट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा बाइंग मूव हो सकता है, 535 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन करके चल सकते हो 533 का। लेकिन अगर कभी आईसीआईसीआई बैंक 535 को ऊपर में क्रॉस करने में सक्षम नहीं रहा और वहां से अगर कभी नीचे अगर आना शुरू होता है तो 533 के आसपास में एक जबरदस्त सेलिंग नीचे में शुरू हो सकती है, जो कि आपको नीचे में इंट्राडे ट्रेडर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। हमारा जो आखिरी स्टॉक है दोस्तों वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक अगर आप देखोगे काफी क्रूशल रेजिस्टेंस जोन के आसपास में पिछले 3 दिनों से ट्रेड कर रहा था दोस्तों। 3 दिनों का कंसोलिडेशन हो जाने के बाद में, 4 दिनों का लंबा कंसोलिडेशन हो जाने के बाद में आज कोटक बैंक हमें लगता है कि पूरी तरीके से तैयार है एक बड़ी साइड की मूवमेंट दिखाने के लिए। अब ये मूवमेंट अपसाइड की हो सकती है या डाउनसाइड की हो सकती है तो कल का मार्केट डिसाइड करेगा। अगर कल 1691 के ऊपर में अगर कभी कोटक बैंक अगर कभी निकल जाए राइट, तो ऊपर में ये अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड में दिखा सकता है। अगर मान के चलिए वहां पे 1691 टच नहीं करता और 1685 के लेवल पहले अगर कभी ट्रिगर अगर हो जाते तो कोटक बैंक एक डाउनसाइड की मूवमेंट अच्छी खासी नीचे में दिखा सकता है। प्रॉफिट लेना आप लोगों के हाथ में है, प्रॉफिट को ढंग से लीजिएगा। लेवल एक्टिवेट होने के बाद में थोड़ा जरा आप एक्टिव रहिएगा। कभी अगर कभी सेलिंग लेवल अगर कभी एक्टिवेट होती है तो बाइंग लेवल स्टॉप लॉस रहेगी, और बाइंग लेवल अगर कभी एक्टिवेट होती है सेलिंग लेवल आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों वालाई ब्लू में क्यू अकाउंट ओपन करना मैं आप लोगों को ज्यादा बात नहीं बताऊंगा, आप लोग सिर्फ चेक करिएगा। आपको निफ्टी का एक लॉट अगर MIS में लेना है, आपका ब्रोकर आपको कितना अमाउंट डिमांड करता है, अलाई ब्लू आपको केवल मात्र 9000 रुपए में MIS में निफ्टी दे देगा, और ब्रैकेट ऑर्डर में केवल मात्र 3000 में निफ्टी आपको दे देगा। बैंक निफ्टी आपको 7000 रुपए लगेंगे MIS के लिए और 2000 रुपए लगेंगे ब्रैकेट ऑर्डर के लिए। अब इससे ज्यादा अगर लेवरेज अगर आपको कहीं पर भी मिलता है आप वहां पर में बिंदास होकर के उनके साथ में जाकर के ट्रेडिंग कर सकते हैं राइट। अलाइज ब्लू मैंने आप लोगों के सामने एक अच्छा ऑप्शन देने का कोशिश किया है, अगर आपकी इच्छा है तो आप जुड़िए, नहीं अगर इच्छा है तो आप जहां पर मैं कंटिन्यू कर रहे हो वहां पर मैं कंटिन्यू कर सकते हो। आप लोगों को हमारे वीडियोस हेल्पफुल रही है, उम्मीद करता हूं आपको आज के पूरा का पूरा वीडियो और ये जो नया जो चीज़ हम लोगों ने शुरू की आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये जो हम लोगों ने नया जो आज आप लोगों के साथ में जो नए जो लेवल्स हम लोगों ने शेयर करना शुरू किया है इसका आपको किस हद तक बेनिफिट हो रहा है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।